यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये जो श्लोक हमारे संस्कार और संस्कृति से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं आज धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अनुराग ठाकुर ने विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जो महिला खिलाड़ी थे उनसे बड़ा वायदा किया था कि 4 हफ्तों में जो है ब्रजभूषण शरण सिंह का एक जो भी काला चिट्ठा खुलेगा उस पर कार्यवाही करेंगे, समिति बनाई गई है। लेकिन लगातार देखा जाए तो 4 हफ्ते बीतने को है, अभी तक अनुराग ठाकुर ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, अनुराग ठाकुर ने कोई ट्वीट नहीं किया और अनुराग ठाकुर ने जो वायदा किया था उसको निभाते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं देखा जाए तो मैरी कॉम को जो है अध्यक्ष बनाया गया था, हालांकि उनको उस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था ब्रजभूषण शरण सिंह को, लेकिन मेन बात इस्तीफे की होती है। अगर देखा जाए तो 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव नजदीक हैं, इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में फिर से उपचुनाव भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इन चुनाव के वक्त भी यहाँ पर जो है ब्रजभूषण शरण सिंह अपडेट नजर आ रहे हैं, सक्रिय नजर आ रहे हैं, लगातार सड़कों पर घूम रहे हैं, अपने दोस्तों से मुलाकात कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। बीजेपी पार्टी के अपने नेताओं को बचाने का काम करती है, ये मेन सवाल और बड़ा सवाल आपके लिए है। दूसरी बात निकल कर ये आती है कि चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो, चाहे यहाँ पर श्रीकांत त्यागी हो, अजय मिश्रा, आशीष मिश्रा, टैनी हो, या तमाम बीजेपी के नेता जो कहीं ना कहीं इस तरीके के काम में फंसे हुए नजर आते हैं, उन पर बीजेपी पार्टी कार्यवाही क्यों नहीं करती है? जबकि आजम खान, अब्दुल्ला आजम, फातिमा आदि पर जो है यहाँ पर देखा जाए तो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वहीं देखा जाए तो विपक्ष पर एक के बाद एक बड़े खुलासे बीजेपी पार्टी कर देती है, लेकिन खुद के नेता को बचाने का काम यहाँ पर क्यों किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। विनेश फोगाट वही महिला खिलाड़ी जिसने भारत देश का परचम लहराया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिरंगे को लहराया और गोल्ड मेडल जो है भारत देश के लिए लेकर आई। अगर उसने कहा कि मेरे पास सबूत है, यहाँ पर जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, तो उस प्रोटेस्ट को देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं मानते हैं? आखिर देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक सिद्ध क्यों करते हुए नजर नहीं आते हैं? जाते जाते मैं सवाल आपसे ये लेना चाहूंगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह आखिर इस्तीफा कब देंगे और आपको क्या लगता है, क्या विनेश फोगाट को न्याय मिलेगा? क्या अनुराग ठाकुर सहित देश के प्रधानमंत्री आगे आएंगे? आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।